तो गाइस ITI स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका आ चुका है। तो गाइस देख सकते हैं ये अपनशिप के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जो कि गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कोची की तरफ से है, शिपयार्ड नवोली यार्ड तरफ से। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एप्लीकेशन आपको कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्म 26 अगस्त स्टार्ट हुआ था और गाइस टोटल वैकेंसी 230। ये सभी ट्रेड के लिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ट्रेड के लिए ये वैकेंसी है। मैं आपको फिर से बता दूँ 26 अगस्त स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट इसकी अभी है 23 सितंबर है गाइस। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको इसके फॉर्म को फिल करना। तो पहले देख सकते किस चीज़ में है, कोपा में है, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फिल्टर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रनर, वेल्डर। गाइस यहाँ पर जितनी वैकेंसी यहाँ पर शो की गई है 26 पोस्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको देखना, पाइप, फाउंडेशन, टेलर, मशीन, टॉटरमैन और जितने भी सिप राइड जितने भी है ना गाइस, टोटल 26 ट्रेड की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है गाइस, डबल सिप यार्ड रिपेयर की यार्ड कोचिंग की तरफ से। तो देख सकते हैं पूरी ट्रेड दिखा रखे हैं यहाँ पर उन्होंने अपने PDF में। देख सकते रिजर्वेशन भी यहाँ पर उन्होंने लगा रखा, रिजर्वेशन वैकेंसी भी आएगी गाइस इसमें अंदर। गाइस मैं आपको बता दूँ रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है क्या नहीं है, जो कि गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग हर जगह लागू होता है, वो भी यहाँ पे लागू किया गया है रिजर्वेशन अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइस आप अगर कोई डिसेंडी कैंड अगर हो तो उसके बेस पे भी आपको दिखा रखा है कैसे क्या करना। और हाँ गाइस, अगर आपने सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर ले। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं एबिलिटी कंडीशन भी बता रखा है, 10th में आपको कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, एज, इलेक्शन, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। यहाँ पर गाइस वही SC ST वाला रूल रिजर्वेशन कोटा लगेगा। उसके बाद गाइस आपकी एज 21 से ऊपर होनी चाहिए 30 जून 2022। उसके बाद गाइस अपने एग्जामिनर बता देता हूँ आपको, एग्ज़ाम आपके 10th में गाइस डिफरेंट मार्क्स होने चाहिए और ITI में आपने 65%। और गाइस दूसरी बड़ी बात, और आपके पास प्रोविजनल NCVT की वाइप सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यही ये गाइस केवल केवल NCVT स्टूडेंट के लिए, SCVT स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। उसके बाद एज में चलेंगे, एज में वही 21 एज के लिए बता रखा रिलैक्सेशन सूट है यहाँ पे, जो हर गवर्नमेंट वैकेंसी में लगती है वो भी यहाँ पे लागू किया गया है। एप्लीकेशन आपको बता दूँ कहाँ फॉरवर्ड करना है, तो कहीं दे सकते हैं जनरल पोस्ट होनी, केवल आपको यहाँ पर पोस्ट करना है द नवोडीलाल डिपार्टमेंट और कोचिंग चेंज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नवोली आर्टशिप रिपेयर बेस कोचिंग। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन पोस्ट करना है 23 सितंबर तक, लास्ट डेट्स के 23 सितंबर तक। अगर कहीं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म एक्टेबल है गाइस, आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है अवेलेबल हैं वो इसके अपने फार्म से अटैच कर सकते हैं। गाइस नीचे PDF भी दे रखी है एप्लीकेशन की, आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या तो फिर आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं इस PDF का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप सिंपली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे आपको किसी एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं आपको कैसे फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन को और कैसे आप सेंड कर सकते हैं इस एड्रेस पे, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो गाइज़ थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू गाइज़।